दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे हम क्रिएट करेंगे, ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, क्रिएट फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट विद शॉपिंग कार्ट फ्री थीम कस्टमाइजेशन। ओके, तो हम कैसे एक थीम को कस्टमाइज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विद डेमो के साथ में। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है करंटली में इस तरीके का वेबसाइट है, इसके साथ में हमको डेमो का भी कंटेंट मिलेगा, डेमो डेटा भी मिलेगा। तो इसको हम एवरीथिंग यानी कि एवरीथिंग हम देखने वाले हैं, एवरी स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है। यह वर्डप्रेस की फ्री कस्टमाइजेशन थीम है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, कस्टमाइज। ओके, तो ये अपना डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है अपीयरेंस में, थीम्स में, और यहां पर आपको चूज करना है शॉपिंग कार्ट। ओके, शॉपिंग कार्ट, ये हम स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं, और पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे समथिंग करके हम बनाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा काम है जो हम कंप्लीटली देखने वाले हैं, पेमेंट गेटवे से लेकर के सब कुछ, है ना। ओके, कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम इसके अंदर में आ गए और हमने इसको चूज कर लिया, यहाँ पर हमने टाइप किया शॉपिंग कार्ट, और उसके बाद देन आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद जो है आपको एक्टिव पर क्लिक करना है। अभी अपना वेबसाइट कैसा दिख रहा है ये हम देख लेते हैं। ई कॉमर्स हमने एक एग्जाम्पल के लिए हमने बना दिया है, ई कॉमर्स डॉट साइनी डॉट ऑनलाइन। ओके, ये तो ये इस तरीके का थीम है अभी, जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता है। ओके, तो इंस्टॉल कर लिया है ये। अब हमने जो थीम डाला है, हमने इसको शॉपिंग कार्ट थीम को हमने डाला, इंस्टॉल किया, अब इसको एक्टिव कर देते हैं। ओके, एक्टिव कर दिया। अब एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और अब ये आपका चेंज हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये चेंज हो, ठीक है, शॉपिंग कार्ट का आ गया, ये थीम शॉपिंग कार्ट का। अब इसमें जो है हम डालने वाले हैं इसका डेमो। ठीक है, डेमो कैसे डालेगा, इसके अंदर में है अभी जो हम वेबसाइट दिखा रहे थे वो टोटली इसका डेमो डेटा है। ठीक है, डेमी है, डमी डेटा है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखिए कुछ प्लगइन्स रिक्वायरमेंट है, उसको आप क्या करिए इंस्टॉल, कॉन्टेक्ट फॉर्म सेमर और मैक्स मेगा मेनू वो कॉमर। ठीक है, इन सबको इंस्टॉल कर लीजिए एक एक करके। लास्ट बचा ई कॉमर्स, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद आपको इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी प्लगइन्स को आपको क्या करना है, वापस से आकर के इनको एक्टिव करना होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। ओके, इसके अंदर में आ गए हम, और यहाँ पर हम देखेंगे ये सब इन एक्टिव रहेंगे, तो इसको हमको एक्टिव कर देना है, इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसको आप निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, होस्टिंगर की जरूरत नहीं है, और इसको हम सबको एक साथ में एक्टिव कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो है हम इसको निकाल देते हैं ये। ओके,
तो हम इसको होस्टिंग करके अनइंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट मार देते हैं, बिकॉज इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यह हमारी जो प्लगइन है, जो थीम की प्लगइन है, रिक्वायरमेंट है, वो आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया, वो कॉमर्स हो गया, मैक्स मेगा मेनू हो गया, और कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवल हो गया। ओके, अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, और भी इसके अंदर में थीम्स हैं जो ये फैसिलिटी नहीं देती हैं, डेमो। ठीक है, डाउनलोड डेमो इंपोर्ट प्लगइन शॉपिंग, इसके लिए डेमो डेटा के लिए ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, बट जो शॉपिंग कार्ट थीम है, ये फुल्ली आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और उसका डेमो डेटा भी आप ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो डेमो डेटा हमारा जो हमने एक वेबसाइट दिखाया अभी शॉपिंग कार्ट का ही, वो इस तरीके का आएगा। ओके, तो अभी हमारा एक चीज देखिएगा, ई कॉमर्स। ओके, ये वेबसाइट अभी ऐसे ही दिख रही है। ओके, इस तरीके का दिख रही, इसमें कोई डेमो डेटा नहीं है। ओके, तो हम डेमो डेटा को इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, हेल्प ऑफ फ्री प्लगिंग। ओके, शॉपिंग कार्ट का ही प्लगिंग है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके का है। ठीक है, इसके अंदर में ये डेमो डेटा भी आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, चलो अभी देखते हैं, हम सामने आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये इस तरीके का दिखेगा, बराबर, ये सब डेमो डेटा है, ये सब आ जाएगा। ओके, वेबसाइट, लेट्स गो। तो हम आगे हैं इसमें, अब आपको क्या करना है, ये डाउनलोड डेमो इंपोर्ट प्लगइन शॉपिंग कार्ट। ओके, तो यही है प्लगइन जो डेमो को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, फ्री डाउनलोड यहां से करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, ये क्लिक हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको प्लगइन्स पे चलना है और यहां पर ऐड न्यू प्लगइन, इस पर क्लिक कर दीजिए, और ये यहां पर डाउनलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपलोड करना है, बिकॉज हमारा जो प्लगइन अभी डेमो डेटा का, जो डेमो इंपोर्ट करेगा डेटा, उसका प्लगइन यहां पर डाउनलोड हुआ। ठीक है, ये ओके, और हमने डाउनलोड कहाँ से किया, यहां से किया, बराबर, इस पर हमने क्लिक करके किया। ओके, तो हम इसको अब अपलोड करेंगे, तो अपलोड प्लगइन्स में आना है, अपलोड पर क्लिक करना है, न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड प्लगइन, चूज फाइल। ओके, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और ये आज के डेट में इंपोर्ट हुआ, यानी कि डाउनलोड पर, यही है थीम्स फ्रीसिया डेमो इंपोर्ट। ओके, इस पर हमने क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर लिया यहां से, एक सेकंड, ये देखिएगा, ओपन पर क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद एक्टिव प्लगइन्स कर दीजिए। ओके, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव कहां पर हुआ, ये है थीम्स फ्रीसिया डेमो इंपोर्ट प्लगइन, ये इंस्टॉल हो गया। ओके, एक्टिवेट भी हो गया। ओके, अब आपको सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको चलना है। अभी भी आप देखेंगे कि प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद भी हमारा वेबसाइट वैसे ही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका है अपीयरेंस में चलिए। यहां पर अपीयरेंस के अंदर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट डेमो डेटा। ओके, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। ओके, यहां नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेमो। ओके, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जो है कंटिन्यू इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, और ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो डेमो डेटा है वेबसाइट का, शॉपिंग कार्ट वेबसाइट का।
और ये डेमो डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है ना, चल रहा। ओके थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली इंपोर्ट हो गया है आपका डेमो डेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कैसे हमारी वेबसाइट अब दिख रही होगी। तो यहाँ पर है, ये हमारी वेबसाइट है अभी करंटली में विदाउट डेमो डेटा। ओके अब देखते हैं कैसा आता है। तो ठीक है, आप रिफ्रेश पर क्लिक करिए। ओके रिफ्रेश पर हम क्लिक करते ही किस तरीके का ये वेबसाइट अब दिखने लगा, देखिए कंप्लीटली वेबसाइट ये बन करके रेडी हो गया। बट ये डेमो डेमो डेटा है, ठीक है, डेमो है, डमी कंटेंट। ओके तो इसको हम फुल्ली कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब आगे का स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टेप बाय स्टेप आप देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।